अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है वा तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? मुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधे हुए मिट्टी की ताई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है, तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना था। जो मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। जो मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह की नाई मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्यकर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी नहीं पाता। मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार।